हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परचेज और सेल्स रिटर्न के बारे में। और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी के साथ आप ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में जाकर के जो हमारी कंपनी है युवराज एंड सन्सेस में कुछ पैसा रिसीव करा लेते हैं। तो रिसीव वाउचर में हम लोग ऑलरेडी हैं, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और इसमें पैसा मैं कुछ रिसीव करा लेता हूँ, ठीक है। 9 लाख रुपये हमने रिसीव कराए कैश, ठीक है, एंटरप्राइज करके इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब हम चलेंगे परचेज वाउचर में, वहां कुछ चीजें परचेज करेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग वाउचर में आ गए हम। अब यहां से हमें कहां जाना है, परचेज वाउचर में जाना है। तो परचेज वाउचर के लिए आप F9 प्रेस कर सकते हैं और यहां पर 8000 नंबर का ये सप्लायर इनवॉइस नंबर है, बिल नंबर है, ठीक है। यहां पर आएगा ओनर राम यानी क्रेडिटर पार्टी का लेजर। तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर यहां हमने लगा दिया है, एंटरप्राइज किया, यहां पर आ गए जहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से स्टॉक आइटम जो भी हमारे पास मौजूद है उनको हमें सेल करना है। तो ये अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहां पर स्टॉक आइटम आप बना लीजिए, ठीक है। या फिर अगर आप परचेस करना चाहते हो तो यहां से एस या जो भी आइटम परचेस जो भी मौजूद है हमारे पास, जैसे हार्ड डिस्क मौजूद है तो ये हार्ड डिस्क ले लिया हमने। और हार्ड डिस्क की कितनी क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं, जैसे 12 क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं, एक क्वांटिटी की कीमत हम अदा कर रहे हैं 1300 रुपये, लिखा, एंटरप्रेस किया। और दूसरा जो हम खरीद रहे हैं वो है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड यहाँ पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसकी जो है 200 रुपये है, लेकिन हम इसको खरीद रहे हैं 120 रुपये में, ठीक है। और यहाँ से इसकी प्राइस हम को 120 रुपये में हमें ये मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ तक आ गए हैं, इन्हीं दोनों की एंट्री हम देखेंगे। CGST लगा दिया, SGST लगा दिया, ये ठीक है। अब देखिए 12 क्वांटिटी हमने खरीदी है और 120 क्वांटिटी खरीदी है। कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदी है ये आपको याद रखना है, क्वांटिटी जो भी आप खरीद रहे हैं वो याद रखिएगा, ठीक है। तो हार्ड डिस्क में आपने खरीदा है 12 क्वांटिटी और कीबोर्ड में आपने खरीदा है कुल मिलाकर 120 क्वांटिटी। और कीमत आपने क्या रखी है, कीमत रखी है हार्ड डिस्क की 1300 रुपये, ठीक है, और कीबोर्ड की जो कीमत है वो 120 रुपये रखी गई है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पे हमें रिटर्न भी करना होगा, परचेज रिटर्न एंट्री करनी होगी। अभी इसको एक्सेप्ट कराता हूँ न्यू रेफरेंस करके, ये एक्सेप्ट करा लिया हमने। अब जब मान लीजिए कि कुछ माल इसमें से डिफेक्टिव निकलेगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। इसको रिटर्न कैसे करेंगे, तो रिटर्न करने के लिए वो ऑप्शन चालू करना होगा हमें। तो कीबोर्ड से आप प्रेस कर दीजिए F11 की और आ जाइए अकाउंटिंग फीचर में। अकाउंटिंग फीचर में आने के बाद इनवॉइसिंग फीचर्स के अंतर्गत ये तीनों ऑप्शन यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स और फिर रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इन तीनों ऑप्शंस को आप चालू कर दीजिए, कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए ताकि ये एक्सेप्ट हो जाए। जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तब हम परचेज अकाउंट में एंट्री, परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे, यानी कि हम डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करेंगे। अब यहां पर इनवॉइस नंबर था 8000, याद है आपको, एंटरप्राइज किया। अब यहां पर हमने किससे खरीदा था माल, उस पार्टी का नेम आ जाएगा, ठीक है। जैसे ओनर राम से ही खरीदा था तो ओनर राम को हम रिटर्न कर देंगे, एंटरप्राइज किया, यहां पर आ गए। अब यहां पर परचेज रिटर्न के लिए कोई अलग से लेजर बनता नहीं है, परचेज अकाउंट के ही अंडर में डाल देते हैं, मान लेते हैं कि यही परचेज रिटर्न है, इसके लिए कोई दूसरा लेजर नहीं बनाया जाता है, तो इसको परचेज अकाउंट के ही अंदर में डाल देंगे। चलिए अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हमने ली थी, पहला हार्ड डिस्क लिया था, तो हार्ड डिस्क के कितने पीसेज ऑर्डर किए थे हमने, 12 पीसेज हमारे पास थी, तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और क्वांटिटी जो रिटर्न करनी है 12 पीसेज, ये रिटर्न कर दिया हमने, ठीक है, 1300 के हिसाब से रिटर्न कर रहे हैं, ओके। और फिर दूसरा जो आइटम था कीबोर्ड था, तो कीबोर्ड के 120 आइटम हमने लिए थे, ठीक है, और 120 रुपए के भाव से लिया था, तो ये भी हमने रिटर्न किया। यहां पे लगाया CGST, नीचे आएंगे तो यहां पे लोकल स्टेट का मामला है तो SGST भी लगा लेंगे, ये लगा लिया, एंटरप्राइज किया, ठीक है। यहां से इसको अभी नो रखता हूं, एंटरप्राइज करता हूं और अब देखिए ये अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है, यानी कि इस बिल के अगेंस्ट, यानी कि हम वापसी कर रहे हैं। 8000 नंबर का जो बिल था हमें, जो हमारे होलसेलर पार्टी से मिला था, उसको हम उसे रिटर्न कर रहे हैं ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सारा का सारा माल हमने वापस कर दिया है, देखिए, ठीक है,
ये सारा माल खराब निकला है जिसकी वजह से हमने इसे वापस किया है, तो ये एंट्री हमारी हो गई पूरी। ठीक है, अब जो ओनर है वो किस तरह से एंट्री करेगा अपने वहां वो देख लेते हैं। तो ओनर के यहां जाने के लिए हमें क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करना होगा रिटर्न के लिए। ठीक है, तो 8000 नंबर का इन्होंने बिल दिया था तो वो बिल नंबर ले लिया हमने। अब यहां पर जो ओनर है तो अब यहां पर डेटर्स पार्टी का लेजर आ गया, एंटरप्राइज किया और यहां से एंटरप्राइज करते हुए यहां आ गए, सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा। देखिए परचेज रिटर्न के लिए परचेज अकाउंट का लेजर सेल्स रिटर्न में, सेल्स मतलब क्रेडिट नोट में सेल्स अकाउंट का लेजर आता है। ठीक है, अब कौन कौन सी चीजें कितने कितने मात्रा में वापस हुई है वो देख लीजिए। यहाँ पर हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क जो है ये वापस हुई है, कुल मिलाकर के 12 पीसेस थे, 12 पीसेस जो है ये रिटर्न आ गए हैं। और रेट जो भी डाला था 1300 रुपये, तो 1300 रुपये के हिसाब से हमने रिटर्न करना है, रिटर्न लेना है। ठीक है, तो ये 1300 रुपये रिटर्न करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर कीबोर्ड था तो कीबोर्ड भी 120 पीसेस थे, तो ये पूरे के पूरे कीबोर्ड भी वापस कर दिए गए ड्यू टू बैड क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, कीबोर्ड्स की खराब थी, कुछ ना कुछ उसमें खराबी थी, जिसके वजह से इसे भी वापस कर दिया गया। अब यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी का जो लेजर है वो लगा लेंगे, एसजीएसटी का भी लगा लिया यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं एंटरप्राइज किया हमने। यहाँ से नो कर देता हूँ और यहाँ से ये ऑन अकाउंट आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन अकाउंट आ रहा है, एंटरप्राइज किया और ये हमने करा लिया एक्सेप्ट। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने एंट्री बना ली है। ठीक है, और इसको देखने के लिए दो बार डी प्रेस करेंगे डिस्प्ले में आ जाएंगे। ठीक है, और डेबिट नोट देखना है तो यहां से डेबिट नोट आप देख सकते हैं। अगर इसका प्रिंट निकालना चाहते हो तो अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। इसको मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूं, करता हूं डेबिट नोट के लिए डी के नाम से इसे सेव करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। ठीक है, और बाहर आता हूं और यहां से क्रेडिट नोट के लिए सी प्रेस करूंगा, क्रेडिट नोट के लिए सेव करना है तो सी प्रेस करूंगा और यहां से इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं। ये सेव कर लिया, चलिए दोनों का प्रिंट देखेंगे हम। पहले डेबिट नोट का प्रिंट देखते हैं, तो ये देख सकते हैं ये डेबिट नोट यानी हमने जो रिटर्न किया था वो उसका प्रिंट इस तरह से कुछ आया है। ठीक है, तो बाहर आते हैं, ये रिटर्न किसे किया गया है, ओनर राम को रिटर्न किया गया है। ठीक है, बाहर आते हैं और क्रेडिट नोट वाली एंट्री जो कि होलसेलर पार्टी अपने यहाँ एंट्री करेगी वो किस तरह से एंट्री करेगी वो भी देख लीजिए। ये देख सकते हैं इस तरह से कुछ एंट्री जो है, अब यहाँ पे देख सकते हैं पार्टी जिन्होंने रिटर्न किया है सामान उसका नाम आ रहा है, तो ये देख सकते हैं इस तरह से इन्होंने अपने यहाँ एंट्री की है जो होलसेलर पार्टी है। तो दोनों का बिल आपने देखा, इस तरह से हम एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।